दोस्तों, अगर आप गाजर का जूस पीते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाजर के जूस में क्या क्या पाया जाता है और गाजर के जूस की तासीर कैसी होती है उसके बारे में बताऊंगा। चलिए आपको बताते हैं। गाजर के जूस में विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B2 पाया जाता है। इसके अलावा गाजर के जूस में बायोटिन, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, फोलेट, मैंगनीज, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, फाइबर जैसे विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी विटामिन और पोषक तत्व हमारे सेहत को स्वस्थ रखने में मदद करता है। गाजर के जूस में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है जो हमारे आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। गाजर के जूस में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है जो मोटापा की समस्या को दूर करने में मदद करता है। गाजर के जूस में फाइबर पाया जाता है जो हमारे पाचन को दुरुस्त रखता है और पेट से जुड़ी समस्या को नहीं होने देता। अब मैं आपको बताऊं गाजर के जूस की तासीर कैसी होती है। चलिए आपको बताते हैं। गाजर के जूस की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। गाजर के जूस का अधिक सेवन करने से आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि गाजर के जूस की तासीर ठंडी होती है। इसलिए दिन भर में आधा से एक गिलास से ज़्यादा गाजर का जूस का सेवन करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी। आपका धन्यवाद दोस्तों।